गुड इवनिंग फ्रेंड, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अपने घर से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे आ चुके हैं और मैं यहाँ पे अकेला नहीं आया हुआ हूँ, यहाँ पे हमारे साथ हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो चलिए उनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो मैं कैमरा उनकी तरफ कर रहा हूँ, ये मैंने कैमरा उनकी तरफ कर दिया। तो जैसा कि आप लोग कैमरा में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कोई और नहीं, हमारे बचपन के फ्रेंड, हमारे दोस्त, हिंदी में बोल लीजिए हमारे मित्र, इंग्लिश में हमारे फ्रेंड, हुमायूं सर। तो सबसे पहले हुमायूं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हुमायूं सर, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ्लड वाला जो वाटर है, तो ये फ्लड वाला वाटर है या ये रेन वाटर है, ये आप बताइए पहले। नहीं, फ्लड वाटर तो अभी नहीं आया है। अच्छा, ये जो बरसात हुआ है ना, बारिश जो हुई है, जी जी जी, तो वो बारिश अभी काफी ज्यादा एकत्रित हो गया है, इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी जैसा लग रहा है। तो जैसा कि हुमायूं सर ये बता रहे हैं कि ये जो वाटर है जिसको हम अभी आपको फ्लड वाला वाटर, मतलब कि बाढ़ का पानी बता रहे थे, तो ये कोई फ्लड का वाटर नहीं है, ये रेन वाटर है, जो कि वहाँ ऊपर हम लोग कैमरा को कर देते हैं, जो कि आसमान से आता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं उसको रेन वाटर बोलते हैं। हाँ, तो हुमायूं सर, जैसा कि बैकग्राउंड हम लोग देख पा रहे हैं कि बारिश यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे लग रहा है, तो जब यहाँ पे एक तो फ्लड वाला पानी जो कि आने वाला ही होगा, इसी मौसम में सर पानी आता है फ्लड वाला, अभी फिर भी तो है, अभी वो है। नहीं आया है, बट वो आएगा, लग जाएगा। हाँ, अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद, जैसे कि सर यहाँ बता रहे हैं कि पूरे में यहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोग खड़े होकर शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग शूट भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इतना सारा पानी होता है, जो कि अभी तो यहाँ पे ये सब जो है रेन वाटर है, तो यहाँ थोड़ा कम है। और सर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या किस चीज़ का फसल है सर, थोड़ा बताइएगा थोड़ा। यहाँ पे ये धान का पेड़ है, जो इसमें चावल जो है ना, चावल तैयार। अच्छा, तो ये पैडी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये धान का पेड़ है और इससे ही राइस बनता है और राइस से बहुत सारा चीज़ बनता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका लाइफ में। तो ये पूरा बैकग्राउंड में सारा यही है। तो चलिए सर से थोड़ा कुछ और जानेंगे हम लोग। हुमायूं सर, हम लोग तो विलेज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग तो अभी घर हम लोग का यहाँ पीछे है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा, 6 होगा अप्रॉक्स। हाँ, अप्रॉक्स होगा, अप्रॉक्स। यहाँ हम लोग तो वैसे काउंटिंग मेजरमेंट नहीं किए हैं, तो अप्रॉक्स हम लोग का घर जो यहाँ से इधर ही पीछे पड़ता है। तो हुमायूं सर, हम लोग यहाँ से कितना दूर जाने वाले हैं यहाँ से अभी? हम लोग सर, आपका फेस नहीं आ रहा, आप बोलिए। हम लोग तो अभी फिलहाल 5 to 6 किलोमीटर घर से आ चुके हैं, और आगे अभी हम लोग का प्लान है अप्रॉक्स 3 to 4 किलोमीटर और आगे जाना है। तो जैसा कि सर यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली में अभी घूमने के लिए आए हुए हैं, तो जैसा कि हमारे साथ हुमायूं सर बने हुए हैं लगातार, तो ये आज हमको घुमाने वाले हैं पूरे में, जैसा कि ये घुमा भी रहे हैं भाई। तो चलिए, इनका ये कहना है कि अभी हम लोग को कितना भाई, वो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर और जाना आगे है, 3 to 4 किलोमीटर और आगे जाना, 3 to 4 किलोमीटर आगे अभी हम लोग और जाने वाले हैं। सफ़र अभी ख़त्म यहीं पर नहीं होगा फ्रेंड। और मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर दूँ कि हम लोग अपने घर से अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर दूर आए हुए हैं। सर, अप्रॉक्स कितना होगा घर से यहाँ का डिस्टेंस? हाँ, 5 किलोमीटर होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, अप्रॉक्स 5 होगा। 5 होगा ना? हाँ। तो जैसा कि हुमायूं सर, थोड़ा सा आप यहाँ पे फेस अपना दिखा दें। हाँ, तो सर का ये कहना है कि हम लोग अपने घर से अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, और सर का ये भी कहना है कि अभी हम लोग को कितना आगे जाइएगा अभी यहाँ से? वही 3 to 4 किलोमीटर। इनका कहना है कि यहाँ से अभी हम लोग, और सबसे पहली बात, सर तो बोलो मत यार, दोस्त तो दोस्त की तरह फ्रेंड बोलो ना, सर सर क्या लगा ये देखिए, चलो यही होता है ग्रेट पर्सन का जो बिहेवियर होता है, यही होता है। देखिए, ये एक्चुअली इनके पास जो है ये कल्टीवेशन का बहुत ही बड़ा नॉलेज है, और भाई बस, ने बस, 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 भाई बोलने दो भाई, ज्यादा तारीफ नहीं, चलो अभी काफी दूर जाना है कोई तरह। और सर, यहाँ पे चलना बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ऐसा बना हुआ जैसा कि हम लोग मार्केट में घूमते हैं, यहाँ पे चलना बहुत ही टफ है सर, और यहाँ पे रास्ता बहुत ही टफ है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, ये देखिए, ये रास्ता है, और हम लोग ऐसे ही स्लीपर पहन के आ गए हैं घूमते घूमते। यहाँ पे रास्ता बहुत टफ है, और सर हमारे साथ में है हुमायूं सर, फिर सर बोल रहा है अब यार बचपन से आदत है ना सर बोलने का। देखो, पहले अभी हम लोग को काफी दूर, काफी लंबा सफर करना है अभी। अच्छा हुमायूं सर, आपका फेस नहीं आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो अभी यहाँ सर और जाइएगा, आगे जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तो यहाँ पे अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। ये एक्चुअली में ना टाइगर सर आपके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। नहीं भाई, जितने भी बॉडी सर, कुड यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ सर, वो डालेंगे यहाँ हम लोग 2 मिनट रेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे पूरा नज़ारा आप लोग को दिख रहा है जो विलेज के अंदर का है, और सर तो यहाँ पे बैठ गए हैं। चलिए सर के साथ यहाँ पे मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे एक प्रॉपर जगह पे आके हम लोग बैठ गए हैं। एक्चुअली हम लोग घूमने के लिए आए हुए थे, तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉगिंग कर दूँ यहाँ पे। तो हुमायूं सर, यार यहाँ पे तो रास्ता का यार बहुत प्रॉब्लम है, बट वो जो विलेजर लोग होते हैं,
वो कैसे सफ़र करते हैं यहाँ, जैसे कि आप ये जो कि यहाँ पे कच्ची सड़क है ना भाई, तो इसी रास्ते से, हाँ मिट्टी वाला रास्ता है, तो इसी रास्ते से, इसी वे से हम लोग वो वहाँ जाना, हम लोग को वहाँ अप्रॉक्स कितना 2 किलोमीटर जाएंगे भाई हम लोग यहाँ से? हाँ लगभग। और यहाँ पे शाम भी होने वाला है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो करने वाले हैं। बारिश का पानी है ये, फ्लड वाला पानी नहीं है जैसा कि हुमायूं सर ने बताया था। ठीक है, तो आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं वो गांव के बारे में, विलेज के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो आज ये रिप्लाई जो है वो सब हुमायूं सर देने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं यहाँ पे क्या क्या होता है। और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम लोग, ये सारा पानी है, और जब फ्लड वाला पानी आएगा तो यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना यहाँ पे पानी लग जाता है। हुमायूं सर, जैसा कि ये रेन वाटर है और जब फ्लड वाला वाटर आता है तो यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल बन जाता होगा कि यहाँ पे वो सिर्फ बोट के सहारे यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोग चल के आए हैं, इस तरह से तो नहीं आ सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे मैं कितना पानी रहता है बता दूँ, यहाँ पे अप्रोक्स 10 फीट पानी यहाँ पे, 10 फीट गहरा, 10 फीट यहाँ पे। शौक लग रहा है सुन के, जहाँ पे अभी हम लोग बैठे यहाँ पे अप्रोक्स हुमायूं सर का कहना है। और इसे, इस जगह को, इस एरिया को कहते हैं हम लोग महाराजी धूर। महाराजी धूर, जो कि काफी अच्छा नाम है भाई। महाराजी धूर क्यों बोलते हैं? यहाँ तो कुछ महाराजा वहाराजा कुछ दिखने रहे था, किला विला कुछ भी? क्योंकि क्योंकि बहुत पहले की बात है, जब दरभंगी महाराज जब थे, अच्छा अच्छा, तो ये उनका बाउंड्री था, ये उनका जो क्या कहते हैं इसे, कैंपस। हाँ कैंपस, कैंपस था। हाँ अच्छा, वही धूर है उनका। तो दरभंगा के जो इम्पेरर थे, दरभंगा के जो किंग थे, उनका ये कैंपस था, तो उनके ही नाम पे वो भाई, क्या बताया आपने, महाराजी धूर। महाराजी धूर मतलब धूर मीन्स ऐसे वो जमीन का पार्ट होता है। थोड़ा ऊपर करके दिखाओ महाराजी धूर, ये कौन सा आप दिखाए ना, ये अच्छा, ये हाँ, ये जो रास्ता सीधा वे जा रहा है, यही। अच्छा ये है भाई, आप ऊपर आइए पहले। हाँ हाँ यही है भाई, बताएंगे, मुझे पता नहीं है यार, सामने दिख रहा है ना आप रास्ता? इधर 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 आ जाइए आप। हाँ। अच्छे से, क्योंकि शाम होने वाला है इसलिए यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। हाँ, ये जो पीछे रास्ता दिख रहा है, हाँ इसी को टोटल आगे तक जो जा रहा है ना रास्ता, अच्छा, उसी को हम महाराजी धूर कहते हैं। ये सारा जो है दरभंगा के महाराज का था, जो कि आज ये सारे समझिए कि विलेजर लोग यूज करते हैं, खेती में यूज होता है ना। तो हुमायूं सर, तो आपके साथ घूमने में तो बहुत मज़ा आ गया, तो चलिए कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए यहाँ के बारे में, कि यहाँ का क्या फेमस होता है? यहाँ का फेमस मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे कि ये महाराजी धूर है, ये अच्छा। भी अपने आप में एक फेमस है, अच्छा, क्योंकि नाम ही ये इंडिकेट कर रहा है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है महाराजी, ऑलरेडी फेमस तो है ही है, तभी महाराजी धूर इसका नाम पड़ा। इसके आगे और भी जाएंगे हम लोग तो बोघरवा आता है। बोघरवा मीन्स, हाँ, वो भी नाम है। हाँ बिल्कुल, कितना प्यारा नाम है बोघरवा, डरना नहीं है भाई लोग आप लोगों को, ये यहाँ पे एक नाम है, क्या नाम है भाई? बोघरवा। बोघरवा, हाँ, यहाँ से आगे है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा यहाँ से आगे है, उससे आगे जाएंगे बोघरवा से आगे तो पड़ेगा जानवा, और हम लोगों को जानवा जाना है अभी। अच्छा सर, अभी हम लोग महाराजी धूर पे प्रेजेंट है, ठीक है, और यह पीछे में सर पूरा पानी दिख रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो सारा जो भी वो कल्टीवेशन खेती जो भी रहा होगा तो खराब हो गया होगा पीछे वहाँ, तो बैकग्राउंड पे वहाँ अभी तो उतना खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो फिर खराब हो जाएगा। अच्छा देखिए फ्रेंड, आज हम लोग कोई ब्लॉगिंग करने नहीं निकले थे एक्चुअली, मैं ये मेरा फ्रेंड है, तो चूंकि बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो भाई ने कॉल करा कि चलो हम लोग घूम लेते हैं आज इवनिंग में, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो और यहाँ पे जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, हम लोग का जो बाइक है वो हम लोग 4 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए हैं, चूँकि रास्ता नहीं है और यहाँ पर हम लोग चल के आए हैं, बहुत ही जो कि दिक्कत है हम लोग को फेस करना पड़ा है, और अगर सर ना होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि इनके पास तारीफ नहीं यार, ये रियलिटी है। तो असल में हम लोग ना चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो चलता रहता है, तो इन सब बातों पे आप लोग ध्यान ना दें, बल्कि ध्यान दें, ध्यान दे भी सकते हैं ना, क्या जाता है? हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, आप ध्यान दे या ना दे, करना है करो। हाँ, हम लोग, और सबसे पहले बात यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे इतना पीसफुल माहौल है, एकदम शांति भरा हुआ है भाई, आप भी आ जाओ ना, क्यों शर्मा रहे? सही है, नहीं शर्मा नहीं रहा हूँ, चूँकि बिहार में नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, तो इसी के चलते हम लोग अपना जो, चूँकि मार्केट तो जा नहीं सकते भैया, वहाँ पे पता है कौन रहते हैं वहाँ पे वैसे मार्केट में, वही सबको जो प्रशासन रहते हैं, जो प्रशासन, हाँ यू मीन टू से पुलिस ऑफिसर जो डंडा लेके रहते हैं, तो खैर इसलिए मार्केट नहीं जाना चाहिए, और घर में आप लोग रहें, सेफ रहें। तो चलिए यहाँ पे, चूँकि घर से हम लोग अप्रोक्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 से 6 किलोमीटर हम लोग घर से दूर आए हुए हैं, और चूँकि अंधेरा होने वाला है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे फुल मज़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही पीसफुल एरिया है यहाँ पे, बहुत ही शांति है, पीसफुल वो इंग्लिश में बोलते हैं भाई उसको, शांति को ना, शांति को, तो
यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एरिया है। चलिए हमारे सर, ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये वाला वाटर जो है, ये कब तक फ्लड का पानी आने का टाइम कब तक है? टाइम तो देखो फ्लड का कोई फिक्स नहीं है, एक अप्रोक्स होता है ना इस नेपाल में जो नेपाल है, अगर पानी छोड़ेगा तो नेपाल में जो वाटर आता है तो वहाँ भी जब पानी का वो जो 3 से 4 दिन में आ जाएगा पानी, तो वहाँ अगर वो छोड़ेगा तो वहाँ भी जो रेन वाटर जो ज्यादा स्टॉक होता है तो वही पानी आता है ना फ्लड के रूप में। इस बार स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है इंडिया भारत, आप वहाँ पे हमारा जो भारत है इस देश से और नेपाल से अभी तनाव चल रहा है। अच्छा, वो तो ये फायदा। मैंने ये भी सुना है कि नेपाल जो है ये चीन से मिला हुआ है। मिला हुआ नहीं है, अभी फिलहाल सुने है ना, एक तरह से समझिए कि कठपुतली बना हुआ है उसका। अच्छा, मतलब चीन के बहकावे में आके नेपाल ऐसा करने वाला है, बट हम लोग हैं हिंदुस्तानी तो डरने की क्या है बात। और हमारे ऑनरेबल पीएम है ही नरेंद्र मोदी सर, तो फिर डरने की क्या बात है? क्या बिल्कुल बिल्कुल, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो एक कहावत है ना, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, मोदी सर है तो सब कुछ मुमकिन है। लव यू मोदी सर। ये गाली हम वॉइस देंगे, ठीक है। और ये जबरदस्त नज़ारा है, चूंकि पूरे में पानी भरा हुआ है, तो सर थोड़ा सा आप कैमरा को उधर से इधर थोड़ा कीजिएगा हम लोग के फेस की तरफ। ओके। और ये एकदम जबरदस्त, चूंकि शाम होने वाला है और शाम हो ही गया है, बस कुछ ही सेकेंड में यहाँ पे पूरा अंधेरा होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग का फेस भी यहाँ पे थोड़ा डार्क हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और सर थोड़ा सा आप कैमरा थोड़ा उधर करें, बहुत ही कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है सर। वाह, ये देखिए, ये जबरदस्त वॉलपेपर होने वाला है। तो जो भी फ्रेंड को ये वॉलपेपर चाहिए तो वो फोन का स्क्रीनशॉट ले लें क्या सर? बिल्कुल, फोन का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने स्क्रीन पे लगा लें। और सर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए, पूरा पानी है सर यहाँ पे। हाँ। और वहीं सर थोड़ा सा आप कैमरा इधर कीजिएगा, ये लीजिए। ये बीच में ये जो सड़क है इसका नाम है सर, वो क्या बताए थे आप यहाँ पे? महाराजी धूर। तो अभी हम लोग महाराजी धूर पे खड़े हैं, जो कि दरभंगा इंपेरर, दरभंगा के जो किंग थे उनका ये जमीन था, जो आज के टाइम में बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है। जो भी बिल्डर है यूज़ करते, अच्छी बात है चूँकि यूज़ में आ गया है तो कहीं ना कहीं तो इनका यूटिलिटी तो हो रहा है ना भाई। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है लगभग, तो अब हम लोग यहाँ से घर निकलने की कोशिश करेंगे। या आगे और भी जाना भाई आपको? नहीं, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, अब रिटर्निंग। हाँ, यहाँ से अब हम लोग को रिटर्न होना है। तो उस टाइम जिस टाइम वीडियो स्टार्टिंग हुआ था, तो उस टाइम हम लोग घर से अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर दूर थे। और भाई अभी कितना किलोमीटर हम लोग हैं थोड़ा बताइएगा आप? अभी वही 7 से 8 किलोमीटर होंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अंधेरा होने वाला है, और हम लोग जिस टाइम वीडियो स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम हम लोग घर से अप्रॉक्स कितना किलोमीटर दूर थे भाई? उस टाइम पे 3 से 4 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर। ये ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे का, तो इसको आप लोग चाहें तो वॉलपेपर के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे सर, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप? देख रहे हैं एकदम ब्यूटीफुल है, एकदम सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे ना भाई, क्या बोलना चाहेंगे? तारीफ के लिए वर्ड नहीं मिल रहा है, वर्ड नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इतना प्यारा है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में अभी यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए, तो मायूस सर हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग तो मेजरमेंट किए नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग आना था। तो चलिए सर से जानेंगे, मायूस सर। हाँ, हम लोग यहाँ पे आप टोटल आप बताएं मेजरमेंट अप्रॉक्स करके, अप्रॉक्स बताएं। अप्रॉक्स हाँ, वही 6 से 7 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से। 7 किलोमीटर, आप लोग सही सुन रहे हैं। हम लोग अपने घर से टोटली 7 किलोमीटर दूर आ चुके हैं अब। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि अंधेरा हो रहा है बैकग्राउंड में, आप लोग देख पा रहे हैं, तो अब चूँकि वहाँ पे जो है सूरज भी अब जा रहा है, वहाँ भाई तो दिखाइएगा वहाँ पे। हाँ, ये देखिए, बल्कि जा चुका है भाई, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सनसेट हो चुका है, मतलब कि सूरज डूब चुका है मेरे भाई। तो घर भी तो चलना है ना। बिल्कुल, चलो अब यहाँ से। तो चूंकि अब हम लोग को यहाँ से घर जाने में 7 किलोमीटर फिर से चल के जाना पड़ेगा, चूंकि हम लोग का जो बाइक है वो हम लोग काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं यहाँ पे। तो हमारे सर, तो क्या चलिए, तो हमारे सर से जानते हैं कि अब चलना चाहिए या नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल, अब हम लोग आप लोगों से, जितने भी प्यारे दोस्त हैं, आप लोगों से अलविदा लेते हैं और घर की तरफ रवाना होते हैं। तो जाते जाते याद रखिएगा हमारे सर, थोड़ा सा जाते जाते हम लोग आपसे यही बोलने वाले हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने घर में रहें, अब भीड़ में ना जाएं, भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। अगर आप लोग भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस बना के रखें, जिसको सोशल डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने घर में रहें, और बहुत ही जब ज़्यादा काम हो तो ही मार्केट जाएं, उसके अलावा जो है बाकी काम आप लोग ऑनलाइन करें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते ही हैं भाई। इधर फ़ोन दिखाना थोड़ा सा, बाकी जो भी काम रहे अपने फ़ोन से ऑनलाइन काम किया करें, और जब ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही मार्केट जाएं। क्या सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सही है, तो दोनों बताइएगा आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपका रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस हम क्या बताएंगे, पूरे देश का ही पर्सनल एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। और ये एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं, पूरे देश का ही है, पूरे वर्ल्ड का ही है,
क्योंकि कोरोना सिर्फ तो हमारे घर या हमारे देश में नहीं है, पूरे मुल्क में है और मुल्क के साथ साथ पूरे दुनिया में है। तो भाई हम लोग यही बोलना चाहेंगे ना कि जितना हम लोग घर पे रहें, जितना मतलब हम लोग घर से बाहर ना निकले उतना हम लोगों के लिए बेहतर, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से ब्लॉगिंग के साथ, कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। हमारे सर यहाँ पे जाते जाते एक बार हाय कर दीजिए यहाँ से। हाय हाय, लव यू ऑल, बाय बाय।